महाराष्ट्र सरकार बनाने को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में जारी मंथन के बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, केंद्र ने महाराष्ट्र के किसानों को प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर तत्काल दी है राहत, जल्द और अधिक आवश्यक सहायता कराई जाएगी उपलब्ध। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जम्मू कश्मीर में हालात हो रहे हैं सामान्य, दवाओं की उपलब्धता है पर्याप्त, किसी भी थाने में नहीं है कर्फ्यू, जबकि इंटरनेट बहाली पर स्थानीय प्रशासन लेगा फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के कन्नूर में एक समारोह में भारतीय नौसेना अकादमी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज किए प्रदान। युद्ध और शांति काल में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रेसिडेंट्स कलर ध्वज है उत्कृष्टता का प्रतीक। 50वें प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शुरू। गोवा में शुरू इस गोल्डन जुबली समारोह का सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को जारी किया नोटिस। कोर्ट ने ईडी से चिदम्बरम की जमानत याचिका पर मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर निर्धारित। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों की कवायद जारी। आज शाम मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी दलों के नेताओं की हो रही बैठक। निजी क्षेत्र की कंपनी यस बैंक की बढ़ी मुश्किलें। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में बैंक ने मार्च 2019 तक 3,270 करोड़ रुपए के फंसे हुए कर्ज की नहीं दी कोई जानकारी। श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पहली विदेश यात्रा में इस माह की 29 तारीख को आएंगे भारत। इजरायली सेना ने सीरिया के दर्जनों ईरानी ठिकानों को बनाया निशाना। लड़ाकू जेटों ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से किया हमला। अब खबरें खेल जगत से। भारत 2022 फुटबॉल विश्व कप की दौड़ से हुआ बाहर। ओमान ने क्वालिफायर में भारत को 1-0 से हराया।